إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه دلاله وكل دلاله في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل أَجِبُوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله फ़क दफ़ा दफ़ा उदनआमा हर तरह की तारीफ उसबालमीन के लिए लायक और जेबा है जो अकेला पूरी दुनिया का खालिक है मालिक है हाकिम है राज है सलाम नाजिल हूँ अल्लाह के तमाम नबियों पर ख़ुसूसन आखिरी नबी हज़रत महमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहतरम हाजरीन अल्लाह ताला ने हम सबको पैदा किया ज़िंदगी गुज़ारने का तरीक़ा बताया अल्लाह की मर्ज़ी बताने के लिए नबियों रसूलों पैगंबरों को भेजा और इस बात की वजाहत फरमाई कि कोई भी आदमी अगर नेक काम करेगा तो उसको दुनिया और आखरत में उसका फ़ायदा मिलेगा और अगर कोई गुनाह करेगा तो उसका नुकसान उसको उठाना होगा बहुत सारे लोग छोटी छोटी नेकियों की तरफ इसलिए तवज्जो नहीं देते हैं कि ये सब छोटी नेकियां हैं सिर्फ़ बड़ी नेकियां करने की कोशिश करते हैं बहुत सारे लोग छोटे छोटे गुनाहों से नहीं बचते हैं कि छोटे छोटे गुनाह अल्लाह माफ़ कर देगा सिर्फ़ बड़े गुनाहों से बचते हैं ये सोच ग़लत है जो इंसान छोटी छोटी नेकियां करता है छोटी नेकियां करने की बदौलत ही बड़ी नेकियां करने की तौफीक मिलती है जो आदमी छोटे छोटे गुनाहों से बचता है अल्लाह तबारक तआला उसी से उसको बड़े गुनाहों से बचाता है तो कोई भी नेकी मामूली नहीं होती या कोई भी गुनाह छोटा नहीं होता हमें हर तरह की नेकी करने की कोशिश करना चाहिए और हर तरह के गुनाह से बचने की कोशिश करनी चाहिए किताब सुन्नत का मुताला करें तो हमें मालूम होता है कि बहुत सारी नेकियां जिनको हम मामूली समझते हैं अल्लाह ताला ने उन छोटी छोटी नेकियों पर इंसान को बड़े बड़े अजर दिया है बहुत सारे गुनाह जिनको हम मामूली समझते हैं कि इस गुनाह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उस गुनाह के वजह से अल्लाह ताला ने बड़ी बड़ी सजाएं दी है तो छोटी समझकर कोई नेकी ना छोड़ें और छोटा समझ कर के कोई गुनाह न करें। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद में फ़रमाया मन अमिन सालिहन मिन मिन औ अंसा व हुआ मुमिन फ़ला नया तयबा जो शख्स नेक काम करता है चाहे वो मर्द हो या औरत मन अमिन हन मिनजा करीन अलसा कोई नेक काम करता है मर्द हो या औरत वह हुआ मोमिन व मोमिन है फ़लन नया तन तयबा तो हम उसको पाकिज़ा ज़िंदगी अता करेंगे अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी खुशहाल हो पाकिजा हो बरकत वाली हो सुकून वाली हो तो हमें नेकी ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए मन अमिलहन मिन जकर अउुनसा व मुमिन फ़ल्न् नया حياة तयबा इसी तरीक़े से अल्लाह तबारक वाली इंसान की कोई भी नेकी ज नहीं करता है हमने अब तक कितनी नकियाँ की कि होंगी हमें खुद याद नहीं है हमने कितने गुनाह किए होंगे हमें खुद याद नहीं है लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने ये ऐसा निज़ाम बनाया है ऐसा सिस्टम बनाया है कि इंसान की तमाम नेकियों को महफूज़ किया जा रहा है इसी तरीके से उसके गुनाहों को भी महफूज़ किया जा रहा है और कल क़यामत के दिन जब इंसान अल्लाह के सामने हाजिर होगा उसकी नेकियों का और उसके गुनाहों का दफ्तर उसके सामने पेश कर दिया जाएगा और वो देखेगा कि उसमें ज़र्रा बराबर भी कोई नेकी किया था तो वो मौजूद पाएगा फमैया अमल मिसर खैर वमैया अमल मिसा लजरतिन शर्रा जिसने ज़र्र बराबर खैर का काम किया होगा वो दफ्तर में देखेगा जिसने ज़र्रा बराबर गुनाह का किया हो का काम किया होगा वो भी देखेगा यानी अल्लाह तबारा ना इंसान की नेकियों को ज़ाहिर करता है ना उसके गुनाहों को बल्कि दोनों को महफूज रखता है इसी तरह अल्लाह ने फरमाया मन अमिल फली नफसी अगर कोई नेक काम करता है तो इसमें खुद उसका अपना फ़ायदा अगर हम नेकियां करेंगे तो हमारा अपना फ़ायदा है हमारी नेकी से अल्लाह की बड़ाई में कुछ इजाफा नहीं होगा या अगर हम गुनाह करते हैं तो अल्लाह की बड़ाई में कोई कमी नहीं होगी इंसान नेकी करता है तो खुद उसको फ़ायदा होगा इंसान गुनाह करता है तो सज़ा भी उसको मिलेगी बहुत सारे लोग छोटी छोटी नेकियों को नज़रअंदाज कर देते हैं सिर्फ बड़ी बड़ी नेकियां करना चाहते हैं रमज़ान का महीना आ रहा है बिल्कुल करीब हो चुका है अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस मुबारक महीने को हासिल करने की और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफीक नायत फरमाए बहुत सारी नेकियों नेकियां ऐसी हैं कि उनको हम बहुत मामूली समझते हैं लेकिन अल्लाह है ने उस पर बड़े बड़े अजर दिए हमने वो मशहूर हदीस सुनी है एक शख्स जा रहा था उसने देखा कि एक टहनी लटकी हुई है उस टहनी के गिरने की वजह से लोगों को रास्ता बदल कर जाना पड़ता सीधा जाने के बजाय लोग क्रॉस करके टेढ़ा मेढ़ा होके जाते हैं सिर्फ वो टहनी की वजह से इस आदमी ने सोचा कि इस टहनी की वजह से लोगों को रास्ता बदलना पड़ता है उसने एक कुल्हाड़ी ली और टहनी को काट दिया वो रास्ता जो लोग घूम कर जाते थे अब रास्ता सीधा हो गया हदीस हमने सुनी है अल्लाह के नबी सल्लम फरमाते हैं कि उसका ये मामूली अमल उसने टहनी को काट दी ताकि रास्ता सीधा हो जाए ये अमल अल्लाह तबार और की निगाह में इतना अच्छा था कि अल्लाह तबार और ने उसके गुनाहों को माफ कर दिया अमल कितना छोटा है लेकिन अजर अल्लाह तबार और ने कितना बढ़ा दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मशहूर हदीस से सही मुस्लिम की सही बुखारी की कि एक बदकार औरत थी उसको प्यास लगी पहले ज़माने में पानी पीने के लिए कुएं में उतरना पड़ता था वो औरत कुएं में उतरी उसने पानी पिया उसके बाद बाहर आई देखा कि एक कुत्ता प्यास से हाँप रहा है इस औरत ने सोचा कि कुछ देर पहले मुझे कैसे प्यास लगी थी मैं कितना बेकरार थी कुत्ते को देख करके उस औरत को कुत्ते पर रहा आ गया वो दोबारा कुएं के अंदर फिर उतरी उसका मोज़ा जो चमड़े का था उसने अपने मोज़े में पानी भरा कुएं से लेकर बाहर निकली कुत्ते को पिला दिया कुत्ते ने चाट चाट कर पानी पी लिया अल्लाह के नबी स फरमाते हैं कि उस औरत वो बदकार औरत उसका ये काम अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह ने उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया जब एक कुत्ते को पानी पिलाने से अल्लाह तबारक तआला गुनाहों को माफ़ कर सकता है तो इंसानों को खाना खिलाना इंसानों को पानी पिलाना इंसानों की ज़रूरतें पूरी करना कितना सवाब का काम असलाफ़ कहते हैं कि इंसान को गुनाहों की माफ़ी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाना चाहिए अल्लाह कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से एक बदकार औरत के गुनाहों को माफ़ कर दिया हम और आप भी अगर लोगों को पानी पिलाएंगे, तो अल्लाह तबारा हमारे गुनाहों को माफ़ कर देगा बज़ाहिर बहुत छोटा अमल है वो भी किसी इंसान के साथ नहीं बल्कि एक जानवर के साथ और वो भी ऐसा जानवर जिसका नाम ही बदनाम है कुत्ता कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से अल्लाह गुनाहों को माफ़ कर देगा तो बताइए कि इंसानों को पानी पिलाना इंसानों को खाना खिलाना कितना सवाब का काम है रमज़ान का महीना आ रहा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स किसी को इफ्तार करा देता है तो उसको भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना रोज़ा रखने वाले को सवाब मिलता है साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल हम में से हर एक के पास इतनी इस्तात नहीं होती है कि लोगों को इफ्तार कराएं आपने कहा कि एक गिलास पानी पिला दो एक खजूर खिला दो उसका इफ्तार करा दो तो भी सवाब मिलेगा माह रमज़ान नेकियां कमाने का मौसम है इसलिए हम और आप इरादा करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खिलाएंगे पिलाएँगे लोगों की ज़रूरतें पूरी करेंगे इसी तरीके से हम एक दूसरे से मुलाकात करते हैं सलाम करते हैं सलाम के बाद मुसाफहा करते हैं यह मुसाफ़ा जो हम करते हैं हमारा दाहिना हाथ और आपका दाहिना हाथ मुसाफा बजाहिर हम इसको एक रस्म समझते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दिल से अगर कोई शख्स किसी से मुसाफा करता है तो दोनों के गुनाहों को अल्लाह माफ़ कर देता है सलाम करने के वक्त जो मुसाफा करते हैं ये मुसाफा करने से अल्लाह तबारक तआला गुनाहों को माफ़ कर देता है जिसको हम बहुत मामूली समझते हैं ये छोटी छोटी नेकियां इंसान को बड़ी नेकियां करने की राह मार करती हैं इंसान इंसान दिल से ये काम करता है तो उसके दिलों में नरमी पैदा होती है तवाज़ो और खादसारी पैदा होती है इसलिए छोटी छोटी नेकियों की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है इसी तरीके से हमारा कोई साथी बीमार हो गया अगर हम उसकी अयादत के लिए गए सुबह के वक्त में या शाम के वक्त में बज़ाहिर कितना छोटा अमल है कोई बीमार आदमी उससे मुलाकात के लिए हम चले गए हमने उससे मुलाकात की उसको दुआएं दी बजाहिर कितना छोटा अमल है लेकिन हदीस कहती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी मरीज़ की यादत के लिए जाता है सुबह के वक्त में या शाम के वक्त में अगर सुबह के वक्त में गया है तो शाम तक सत्तर हजार फरिश्ते उसके लिए मकफरत की दुआ करते हैं कितने है? सत्तर हजार फरिश्ते उस आदमी के लिए मकफरत की दुआ करते हैं जो अपने बीमार भाई की अयादत के लिए गया सुबह को गया है तो शाम तक सत्तर हजार फरिश्ते दुआ करते हैं शाम के वक्त गया है तो सुबह के वक्त सुबह तक, तक सत्तर हजार फरिश्ते उसके लिए मफफरत की दुआ करते हैं अमल कितना छोटा है लेकिन अजर कितना बड़ा है आज इसके बावजूद भी हमारे बहुत सारे साथी किसी दूसरे की तीमारदारी करना मिजाज पुरसी करना ज़रूरी नहीं समझते हैं हमें चाहिए कि इन छोटी नेकियों की तरफ तवज्जो दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज से मना किया है आदमी को जहाँ तक हो कर्ज़ नहीं लेना चाहिए इसलिए कि आदमी कर्ज़दार होकर के अगर मर गया तो अल्लाह के नबी नबीसम फरमाते हैं कि उसकी रूह मुअल्लक रहती है जब तक कि उसका कर्ज न दे दिया जाए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई जनाजा लाया जाता तो आप पूछते थे कि जना मरने वाला कर्जदार तो नहीं था जब बताया जाता नहीं तो आप उसकी नमाज जनाजा पढ़ाते थे अगर कोई कर्जदार होता तो आप उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते एक दफ़ा एक एक शख्स का जनाजा लाया गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा बताया गया कि अल्लाह के रसूल ये शख्स कर्जदार है तो आपने फ़रमाया कि तुम लोग पढ़ लो एक सहाबी खड़े हुए कहा अल्लाह के रसूल मैं इसका कर्ज़ अदा कर देता हूँ आपने उसकी नमाज़ जनाजा पढ़ाई एक हदीस में है कि अगर आदमी कर्जदार है और वो शहादत की मौत भी मर गया तो शहादत की मौत भी उसके कर्जे को माफ़ नहीं करती है इसलिए आदमी को कर्ज़ से परहेज़ करना चाहिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारी चीज़ों से जो पनाह मांगते थे उसमें कर्ज का बोझ भी है अल्लाह मैन अउबी का मिनलमा असम करम अल्लाह मैं गुनाहों के बोझ से और कर्ज के बोझ से तेरी पनाह चाहता हूँ लेकिन अगर ज़रूरत है तो कर्ज लेना जायज़ है दुरुस्त है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में एक वाक़या बयान किया है कि एक शख्स लोगों को कर्ज दिया करता था कर्ज देने के बाद उसने अपने सेक्रेटरी से यह कह रखा था कि कर्ज वसूलने के लिए जब जाओ तो आसानी के साथ अगर मिल जाता है तो ले लो अगर आसानी के साथ नहीं मिलता है तो उसको मोहलत दे दो उसने सिर्फ मोहलत की बात कही थी माफ नहीं किया था अल्लाह के नबी ससरम फरमाते हैं वो कर्जदारों को जो मोहलत दिया करता था वो मोहलत देना अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह तबार को ने उस शख्स के गुनाहों को माफ कर दिया तो किसी कर्जदार को मोहलत दे देना ये भी बहुत सवाब का काम है लेकिन जो कर्ज़दार है उसको भी चाहिए कि सामने वाले को परेशान न करें गलतियाँ दोनों तरफ से होती हैं बहुत सारे लोग जो लोगों को कर्ज देते हैं उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं उनके ऊपर जुल्म करते हैं जुल्म इधर से भी होता है और बहुत सारे लोग जो कर्ज़दार हैं हैसियत के बावजूद भी कर्ज़ वापस नहीं करते हैं हमारे नबी ने फरमा मतलनी ये जुल्म मालदार का टाल मटोल करना ये जुल्म है कर्ज़दार रहना ठीक नहीं है अगर अल्लाह ने हमें दे दिया है तो हमें चाहिए कि कर्ज़ को जल्दी से जल्दी अदा कर दें बहुत सारे लोग हमारे दरमियान हैं जिनको अल्लाह तबार को ने दे रखा है हैसियत है लेकिन उसके बावजूद भी वो टाल मटोल करते हैं लोगों का कर्जा नहीं देते हैं ये बहुत जुल्म है। गुनाह का काम है इससे बचना चाहिए इसी तरीके से सदक़ा करना अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जिनके पास बहुत ज़्यादा माल है मालदार लोग सिर्फ सदका खैरात करते हैं ये बात ग़लत है हमारी जो हैसियत है अपनी हैसियत के मुताबिक हम सदका करें बड़ा आदमी लाखों रुपया खर्चा करता है सदका खैरात करता है हम सौ रुपया करेंगे पचास रुपया करेंगे हमारी हैसियत जो है अल्लाह तबारा व तआला किल्लत और कसरत को नहीं देखता अल्लाह तआला दिलों को देखता है कि कौन आदमी किस हैसियत से सदका कर रहा है अल्लाह के रसूल वसल्लम की वो मशहूर हदीस आपने फरमाया कि एक शख्स जो अल्लाह के रास्ते में सदका करता है एक खजूर खजूर कितना मामूली कितना छोटा होता है हमारे नबी ने फरमाया कि एक आदमी जो अल्लाह के रास्ते में खजूर सदका करता है लेकिन उसकी कमाई पाक थी हलाल हलाल कमाई का खजूर सदका करता है तो अल्लाह ताला उसको दाहिने हाथ से कबूल करता है और उसकी परवरिश करता है कैसे जैसे तुम में से एक शख्स अपने बछड़े की परवरिश करता अल्लाह ताला उसे एक छोटे से खजूर को जो सदका किया गया था पाक और हलाल कमाई का अल्लाह तबारक तआला परवरिश करके उसको पहाड़ की तरह बना देता है कयामत के दिन जब अल्लाह तबारक तआला के सामने बंदे हाजिर होंगे अल्लाह तबारक तआला कहेगा ये तेरी नेकियां हैं तो ये इंसान कहेगा अल्लाह मेरी इतनी ने किया तो कहेगा एक खजूर तूने सदका किया था एक खजूर तूने सदका किया था तेरी पाक और हलाल कमाई का उसी को बढ़ा करके आज मैंने इतना बड़ा कर दिया मेरे भाइयों कितनी खुशी होगी उस वक्त तो सदका कसरत से करें कोई जरूरी नहीं है कि आप लाखों करोड़ों रुपए अल्लाह ने आपको जो भी दिया इतकन्ना वलौ बिशिका मारा हमारे नबी ने फरमाया लोगो अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो चाहे खजूर का एक टुकड़ा ही दे करके एक खजूर नहीं दे सकते हो आधा खजूर दे डालो बहरा सदका ज्यादा से ज्यादा करो एक हदीस में है कि सदका अल्लाह के गजब को ठंडा कर देता है इंसान गुनाह करके अल्लाह के गजब को मोल लेता है लेकिन जब सदका करता है तो अल्लाह का गजब ठंडा हो जाता है इसलिए मेरे भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात करने की कोशिश करो इसी तरीके से छोटी छोटी नेकियों में एक नेकी ये है अपने मोमिन भाई की मदद करना मुसलमान भाई की मदद करना ये मदद मुख्तलिफ तरीक़े से कर सकते हैं आप उनको खाना खिला सकते हैं आप उनको पानी पिला सकते हैं आप उनको कपड़े पहना सकते हैं कोई बीमार हो गया उसका दवा इलाज करा सकते हैं मस्जिद की सीढ़ियों पर कोई बूढ़ा चढ़ रहा है आप उसको सहारा देकर के मस्जिद में पहुंचा दिए कोई बुजुर्ग आदमी आया आपने गर्म पानी उसको मग में दे दिया आपको सवाब मिल गया सवाब के रास्ते बहुत हैं नयिया करने के रास्ते बहुत हैं अपने भाई को फायदा पहुंचाना आज हमारा हाल यह है कि हम किसी भाई को फायदा तो नहीं पहुंचाते हैं उल्टा और नुकसान पहुंचाते हैं अगर आप किसी को फायदा नहीं पहुंचा सकते हैं तो किसी को नुकसान भी ना पहुंचाएं किसी को नुकसान ना पहुंचाना भी उसको फायदा पहुंचाना है अब में हम में से हर शख्स गौर करे, इतनी बड़ी जमात है कि हमारी जात से लोगों को फायदा होता है हमारी जात से हमारे मुसलमान भाइयों को फायदा होता है अगर होता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अगर नहीं होता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए और हमें सोचना चाहिए कि कहीं हमारी जात से किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा है अल्लाह के नबी ससुर ने फरमाया कि सबसे अच्छा इंसान वो है जो लोगों के लिए नफा बख्श हो लोगों को फायदा पहुंचाने वाला हम लोगों को कितना फायदा पहुंचाएंगे लोग हमसे उतना करीब होंगे अल्लाह के नबी ससुर ने फरमाया उन खा का जालिमन उ मजलूमा अपने भाई की मदद करो चाहे वो जालिम हो या मजलूम हो साहबा ने अर्ज किया कि अल्लाह रसुल मजलूम की मदद करना तो हमें समझ में आता है ज़ालिम की मदद हम कैसे करेंगे तो आपने फरमाया उसको जुल्म से रोक दो ज़ुल्म से उसको रोक दो यही उसकी मदद करना मेरे भाइयों जहां तक हो सके जहां तक हमारी ताकत हो अपने भाई को फायदा पहुंचाने की कोशिश करें अल्लाह के नबी सल्ला वसलम के जमाने में एक शख्स ताजर आया मक्का में लोगों ने उसका माल ले लिया लेकिन उसको पैसा नहीं दिया वो पहाड़ी पर चढ़ गया और आवाज़ लगाई या शबाह उस वक्त अरबों का दस्तूर था कि कोई मजलूम अपनी फरियाद बयान करने के लिए इस तरह की आवाज़ लगाता था या सबाह की आवाज़ लगाई लोग दौड़ते हुए गए कहा क्या मामला है कहा मैं फ़ला मुल्क से आया हूँ मैं ताजिर आदमी हूँ लोगों ने मेरा माल ले लिया है और मेरा पैसा नहीं दे रहे हैं अल्लाह के नबी फरमाते उस वक्त मेरी उम्र बहुत कम थी एक एक कमेटी बनाई गई उस कमेटी का काम ये था कि मक्का में आने वाला कोई शख्स अगर उसके ऊपर जुल्म किया गया तो ये कमेटी उसका ताउन करेगी उसकी मदद करेगी आज कमेटियाँ बहुत ज़्यादा हैं सोसाइटियाँ बहुत ज़्यादा हैं तनज़ीमें बहुत ज़्यादा हैं लेकिन काम क्या हो रहा है आप मजलूम की कितनी मदद कर रहे हैं हमें चाहिए कि मजलूमों की मदद के लिए आवाज़ उठाएं ज़ालिम के ज़ालिम को जुल्म से रोकने के लिए आवाज़ उठाएं हमारे नबी ने फरमाया अपने भाई की मदद करो खा वो ज़ालिम हो वो मजलूम मैंने बताया कि जालिम की मदद कैसे कर सकते हैं मजलूम की मदद कैसे कर सकते हैं अल्लाह के नबी हदीस में फरमाते हैं मेरी उम्मत के आमाल मेरे सामने पेश किए गए मेरी उम्मत के आमाल मेरे सामने पेश किए गए उनकी नेकियां भी मुझे दिखाई गई उनके गुनाह भी मुझे दिखाए गए उनकी नेकियां जो मुझे दिखाई गईं उस नेकिय में उन नेकियों में एक नेकी ये भी थी कि रास्ता चलते वक्त किसी ने रास्ते से कोई चीज़ हटा दी थी कि किसी को नुकसान ना पहुँचे हम जब रास्ता चलते हैं कहीं पर पत्थर पड़ा हुआ है नोकीला पत्थर जो किसी के पैर को ज़ख्मी कर सकता है कोई लोहा पड़ा हुआ है कोई ग्लास का टुकड़ा पड़ा हुआ है जो किसी पैर को ज़ख्मी कर सकता है जो किसी के गाड़ी को पंचर कर सकता है आप चलते वक्त अगर उस रास्ते से उस चीज को हटा देंगे हमारी शरीयत ने इसको सदका कह अमात अलाजा अनिल तरीक़ रास्ते से तकलीफ दे चीज़ को हटाना सदका है बहुत सारे लोग सोचते हैं ये तो कारपोरेशन का काम है हुकूमती एतबार से कानूनी एतबार से ये कारपोरेशन का काम है लेकिन हमारी शरीयत माशरे की असलाह के लिए हमारे ऊपर भी ये जिम्मेदारी रखती है कि अगर मुमकिन हो तो हम उसको रास्ते से हटा दें हमको सवाब मिल जाएगा और लोग परेशानी से मुसीबत से बच जाएंगे हमारे नबी फरमाते हैं कि बंदों के अमाल पेश किए गए तो नेकियों में वो नेकी भी मौजूद थी मेरी उम्मत के गुनाह भी मेरे सामने पेश किए गए तो गुनाह में उनका वो गुनाह भी था मस्जिद में उसने जो गंदगी कर दी थी बोसाकन और नुखामतन, उसके नाक से निकलने वाला रेंट या मुंह से निकलने वाला बलगम हम मस्जिद में रहते हैं छींक आती है खांसी आती है आदाब ये हैं कि आप कपड़ा रखें हाथ रखें बहुत सारे लोग छींकते हैं तो बहुत सारी गंदगी निकलती है वो मस्जिद के कालीन पर पड़ती है कोई वहाँ सजदा करेगा गंदगी फैलाना सही नहीं है या इसी तरीके से इंसान को खांसी आती है तो उसके मुंह से बलगम निकलता है कभी कभी मस्जिद में पड़ जाता है हमें चाहिए कि उसको सफाई करें उसको दफन करें हमारे नबी वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के गुनाह जब पेश किए गए तो मैंने देखा कि गुनाहों में वो गुनाह भी था जो मस्जिद के किसी हिस्से में उसने गंदगी कर दी थी और उसको मिटाया नहीं था ये कितनी गलतियां हमसे हो रही हैं हमें चाहिए कि हम इस तरफ तोज्जो दें इसी तरीके से हमें चाहिए कि अपने भाई से मुलाकात करें अल्लाह के लिए अल्लाह के नबी ससरम की एक हदीस है कि एक शख्स अपने भाई से मुलाकात के लिए जा रहा था एक बस्ती से दूसरी बस्ती में अल्लाह तबारक व तो तआला ने एक फरिश्ते को इंसान की शक्ल में भेजा वो फरिश्ता इंसान की शकल में आया इससे मुलाकात किया भी कहा भाई कहाँ जा रहे हो कहा फला बस्ती में जा रहा हूँ कहा किस लिए जा रहे हो कहा वहाँ हमारा एक भाई रहता है उससे मुलाकात के लिए जा रहा हूँ तो कहता है फरिश्ता क्या उसने तुम्हारे ऊपर कुछ एहसान किया है कि उस एहसान के बदले में तुम उससे मुलाकात के लिए जा रहे हो कहा नहीं कहा तुम्हारा उसका कोई खूनी रिश्ता है कहा नहीं बस मुसलमान भाई है मुलाकात के लिए जा रहा हूँ उस फरिश्ते ने कहा कि मैं फरिश्ता हूँ अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है जिस तरीके से तुम अपने उस भाई से मुलाकात के लिए जा रहे हो मोहब्बत रखते हो इसी तरह अल्लाह ताला तुमसे भी मोहब्बत रखता है हमें एक दूसरे भाई से मोहब्बत करनी चाहिए नफरत कदोरत बोग अदावत दुश्मनी ये अल्लाह को पसंद नहीं है आज हमारे दिलों में एक दूसरे के ताल्लुक़ से हसद भरा हुआ है तकबुर भरा हुआ है गुरूर भरा हुआ है घमंड भरा हुआ है हसद भरा हुआ है हम एक दूसरे के साथ कॉपरेट नहीं करना चाहते हम एक दूसरे को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हम एक दूसरे की इज्जत नहीं करना चाहते हम एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देखना चाहते हैं बताइए कि अल्लाह तबारक हमसे कैसे मोहब्बत करेगा अपने भाइयों के तल्लु से अपने दिलों को साफ रखो अपने भाइयों के तल्लुक से अपने दिलों में उल्फत और मोहब्बत पैदा करो अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्ल मरूफिन सलाखा हर नेक काम करना सदका जहाँ भी नेकी का मौका मिले हमें वो मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए एक जंग के मौका पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया क्या ऐलान किया कहा जिसके पास जायद खाना है अपने दूसरे भाई को दे दें जिसके पास जायद सवारी है अपने दूसरे भाई को दे दें जिसके पास जायद सामान है अपने दूसरे भाई को दे दे साहबा कहते हैं कि हमने अपने लिए रखा और अपने भाइयों को दिया हमें ऐसा लग रहा था कि जायद सामान अब हम नहीं रख सकते हैं मेरे भाइयों आज हमारे घरों में हमारी दुकानों में कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे इस्तेमाल की नहीं है क्या हम उन चीज़ों से अपने गरीब भाइयों की मदद नहीं कर सकते हैं क्या हम उन चीज़ों से अपने दूसरे भाइयों की मदद नहीं कर सकते हैं क्या हम उन सामानों को बेच करके बैतुलमाल में पैसा नहीं जमा कर सकते हैं हमें चाहिए कि इस तरफ तवज्जो दें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बार एक शख्स आया उसने कहा कि अल्लाह के रसूल मैं फ़लाँ जगह से आ रहा हूँ और मुझे फ़लाँ जगह जाना है मुझे सवारी की ज़रूरत आपने फ़रमाया कि मेरे पास इस वक्त सवारी नहीं है एक सहाबी ने कहा अल्लाह के रसूल फ़लाँ आदमी के पास सवारी है अगर उससे कहा जाए तो सवारी का इंतज़ाम हो सकता है आपने उस शख्स को बुलवाया और कहा ये तुम्हारे साथी हैं सफर में है इनको सवारी की जरूरत है उसने सवारी का इंतजाम कर दिया अल्लाह के नबी ससर ने फरमाया कि जिसके जरिए से यह काम हुआ है काम करने वाले को जितना सवाब मिलता है जरिया बनने वाले को भी उतना ही सवाब मिलता है हम नमाज पढ़ने आते हैं हमें चाहिए कि हम लोगों को नमाज के लिए बुला के लाएं अगर हमारी दावत से हमारे बुलाने से चंद लोग नमाज में आ गए तो हमें कितना स्वाब मिलेगा जब तक वो नमाज पढ़ता रहेगा हमें स्वाब मिलता रहेगा लेकिन हम इसकी फिक्र नहीं करते हमें चाहिए कि नेकी का कोई भी मामला हाथ से जाने न दे हमारे नबी ससरा ने फरमाया हर नेक काम सदका इसी तरीके से हम जो भी काम करें काम खत्म होने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करें यहां तक कि खाना पानी अल्लाह व तआला अगर हमको खिलाना ना चाहे तो हम नहीं खा सकते पिलाना ना चाहे तो हम नहीं पी सकते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तला फरमाता है आए मेरे बंदो तुम सब नंगे हो सिवाय उसके जिसको मैं कपड़ा पहना दूँ तुम सब भूखे हो सिवाय उसके जिसे मैं खाना खिला दूँ तुम सब गुमराह हो सिवाय उसके जिसे मैं हिदायत दे दूँ लिहाजा कपड़ा मुझसे मांगो खाना मुझसे मांगो हिदायत मुझसे मांगो हमें चाहिए कि हम खाना खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करें पानी पीने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करें लेकिन हमारा हाल क्या है हम नेकी करने के बजाय उल्टा गुनाह करते हैं खाने में ये बराबर नहीं चाय में ये बराबर नहीं हम हम हमेशा हम हमेशा खामियां डूटते हैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए इसी तरीके से मेरे भाइयों हम कुरान पढ़ना जानते हैं हमें चाहिए कि लोगों को कुरान सिखाएं हमारे नबी ने फरमा खैरकमता वम तुम्हें सबसे अच्छा इंसान वो है जो कुरान को सीखता है सिखाता है हर इंसान जो कुरान पढ़ना जानता है उसको चाहिए कि दूसरे को नहीं तो कम से कम अपने घर में किसी आदमी को कुरान पढ़ना सिखाए आप अपनी वालिदा को कुरान पढ़ना सिखाएं अपनी बीवी को कुरान पढ़ना सिखाएं या अगर कोई औरत है तो अपने शौहर को कुरान पढ़ना सिखाए बजाय इसके कि हम बाहर जाएं बहुत ज़्यादा किया करने के घर में नहीं किया करें हमारी बहुत सारी बच्चियां कुरान पढ़ती हैं मदरसों में पढ़ती हैं उनको चाहिए कि मोहल्ले की बच्चियों को इकट्ठा करके उनको कुरान सिखाएं हमारे बहुत सारे साथी कुरान पढ़ना जानते हैं रमज़ान का महीना आ रहा है आप कुरान के हल्के लगाएं लोगों को कुरान पढ़ना सिखाएं बहुत सवाब का काम है बल्कि हमारे नबी ने कि सबसे अच्छे लोग वो हैं जो कुरान को पढ़ते हैं पढ़ाते हैं सीखते हैं सिखाते हैं कुरान की तालीम देना ये बहुत सवाब का काम है इसी तरीके से अल्लाह के नबी सलाम, व व व अफसलाम वताम वसलरहम नियाम तद खजन्न तब्लाम लोगो सलाम को फैलाओ अफसलम अतमतम खाना खिलाओ अरहाम सिला रहमी करो सलूबिल्लियाम रात में उठ करके नमाज़ पढ़ो जब लोग सो रहे हूँ तद खल जन्नत तब सलाम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे सलाम करने से सवाब मिलता है आज लोग सलाम नहीं करना चाहते आज लोग एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाना चाहते हमारा अपना पहचान का कोई है तो लोग देख कर सलाम करते हैं जबकि अल्लाह के नबी वसल्लम ने फरमाया कि हर किसी को सलाम करो जिसको पहचानते हो उसको भी जिसको नहीं पहचानते हो उसको भी सलाम पहले करने वाले को स्वाब ज्यादा मिलता है अल्लाह के नबीरम ने इसके वसूल बताएं अगर कोई आदमी सवारी पर जा रहा है और कोई आदमी पैदल है तो सवारी पर जो है वो पैदल को सलाम करे दो आदमियों का आपस में मुलाकात हो गया एक बड़ी उम्र का है एक छोटी उम्र का है तो छोटी उम्र वाले को चाहिए कि बड़ी उम्र वाले को सलाम करें दो काफिले आपस में मिल गए छोटे काफिले को चाहिए कि बड़े काफिले को सलाम करें लेकिन आज हम सलाम नहीं करना चाहते आज हम चाहते हैं लोग हमें सलाम करें हमें सलाम करने में पहल करना चाहिए अल्लाह ताला ने हज़रत आदम सलाम को फरिश्तों के पास भेजा कहा जाओ उनको सलाम करके आओ हज़रत आदम अलैहि सलाम गए और कहा अलैकुम फरिश्तों ने क्या कहा रहमतुल्लाह अल्लाह ताला ने फरमाया कि सारे इंसानों का सलाम यही है आज हम लोग फैशन में है गुड मॉर्निंग गुड नोन गुड नाइट इसका क्या माना है सलाम करो अलैकुम मेरे भाई तुम्हारे ऊपर अल्लाह की सलामती हो वहमुल्ला ही अल्लाह की रहमत हो वारकत हो अल्लाह की बरकत हो कितनी जामे दुआ है सिर्फ सलाम करने से आप अपने भाई को कितनी दुआएं दे देते हैं अल्लाम वहमतल्ला बारकत हो मेरे भाई तुम्हारे ऊपर अल्लाह की सलामती हो अल्लाह की रहमत हो अल्लाह की बरकत हो दूसरा भाई कहता है वालेकुमल वह वारकत हो तुम्हारे ऊपर भी सलामती हो तुम्हारे ऊपर भी रहमत हो तुम्हारे ऊपर भी बरकत हो मेरे भाइयों सलाम की आदत डालो आज हमारा नौजवान मॉडर्न होता जा रहा है मॉडर्न होता जा रहा है सलाम के बजाय दूसरे तरीके इस्तेमाल कर रहा है इसी तरीके से जब हम घर में दाखिल हों घर में दाखिल होते वक्त भी अपने बीवी बच्चों को सलाम करना चाहिए आज लोग अपने बीवी बच्चों से सलाम करना तोहन समझते हैं हमारे नबी ने फरमाया तुम्हारे अखलाक की सबसे ज्यादा हकदार तुम्हारी बीवी है जब भी घर में दाखिल हो अपनी बीवी से सलाम करा वालेकुम अपने बच्चों से सलाम वालेकुम नेकी है मेरे भाइयों। आज बहुत सारे लोग अपने बीवी बच्चों से सलाम नहीं हमने देखता फोन आता है हां क्या बात है भाई पहले सलाम करो सलाम की आदत डालो सही बुखारी की हदीस है हितस बिन मालिक रजी अल्लाह तुम रास्ते में चलते हुए बच्चों को देखते थे तो बच्चों से भी सलाम कर लिया करते थे और कहते थे कि अल्लाह के रसूल असलम भी ऐसे ही क्या करते थे यानी अल्लाह के नबी बच्चों से भी सलाम कर लिया करते थे हमें भी चाहिए कि सलाम की आदत डालें बताने का मकसद क्या है कि छोटी छोटी नेकियां करके हम बहुत सवाब हासिल कर सकते हैं हमें चाहिए कि छोटी नेकियों की तरफ तवज्जो दें कैसी भी हो नेकी उसको हल्की मत समझ रब को बख्शिश के लिए कोई बहाना चाहिए अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हरबल आलमीन हम तमाम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तोफ़ी इनायत फरमाए अल्लाह हम सबको सच्चा पक्का मुसलमान बनाए जब तक दुनिया में रखे इस्लाम पर क़ायम रखे ख़ात्मा हो तो ईमान खैर पर हो रबना तकबल कब्बल मन्ना इन न कांत समी उलिम वतुबलैना नकान तवाबरहीम बहमति का या الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فاعوذ بالله السَّمِيلَ العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي

من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويتعيد القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغ يعيدكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدَعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَقِيمُ الصَّلَاةُ